ठीक है आगे शुरू करें। चलो फेब शुरू होने वाला है कल से। अब हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस महीने से या तो काफ़ी आगे जाएंगे या तो इस महीने से काफ़ी नीचे जाएंगे। ऐसे हर साल होता है, सॉरी, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के एक मंथ में पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं पर लास्ट में जैसे ही फेब आता है, स्कूल कोचिंग ख़त्म होने वाली होती है, हम फौरन मोबाइल निकाल लेते हैं और बिज़ी हो जाते हैं। रील्स चलाएंगे, शॉर्ट्स चलाएंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, सारे जितने काम हम कर सकते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ करेंगे और थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, जिससे क्या होगा, लास्ट के मंथ में आपका रिजल्ट जो है ऐसे नीचे गिरेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, मैं आपको टाइम टेबल बताने आया हूँ। ऐसे समझ लो कि ये वीडियो जो है वो टाइम टेबल का टीज़र है, ठीक है ना, ट्रेलर है। पूरा जो टाइम टेबल है वो कल इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। आज मैं आपको समझाने आया हूँ कि टाइम टेबल हम किस बेसिस पे बना रहे हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ भी स्किप मत करना, जल्दी बोल के ख़त्म करूँगा, ठीक है, समझते हैं। चलो अब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो पार्ट है उसमें आएगा साइंस 1 एंड 2, मैथ्स 1 एंड 2, SST यानी कि हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, ये जो तीन सब्जेक्ट है लर्निंग और प्रैक्टिस के वो यहाँ आएंगे। बाकी तीन सब्जेक्ट इंग्लिश यानी कि लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अगर किसी का उर्दू या कोई और सब्जेक्ट हो तो वो भी इसमें इंक्लूड कर लेना। इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो है ये हमने टीम ग्रुप ए बना लो, ये ग्रुप ए है और ये क्या है, ग्रुप बी है। थोड़ी देर के लिए ग्रुप ए को, ग्रुप बी को भूल जाओ। ग्रुप ए में टोटल मिलाकर चैप्टर्स होते हैं 56 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स होते हैं, 56 चैप्टर्स या लेसन कह लो, वो है हमारे पास मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी मिलाकर, सिविक्स माने पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, मिलाकर 56 चैप्टर्स हैं। आपके पास दिन कितने हैं, फेब में 28 दिन होते हैं, ठीक है, तो 56 को 28 से डिवाइड करो कितना आता है, 2 आता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 56 चैप्टर्स हैं और 28 डेज है, डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2 चैप्टर पर डे। क्या समझे इससे, इससे ये समझने आया कि अपने को कल से हर दिन कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 2 चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे एनी हाउ। अगर आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, सुनो ज़रा सब्र करो और सुनो, जो 2 चैप्टर पर डे, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, पर फिलहाल के लिए मोटा मोटी बात तो यही है कि हर दिन कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे अगर रिवीजन पूरा करना है तो। इतनी बात क्लियर है, पक्का? अब कोई बोलेगा सर लैंग्वेज का क्या करेंगे, तो लैंग्वेज का भी बता रहा हूँ। देखो लैंग्वेज में हम लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अक्सर बार तो अक्सर बच्चे यही कहते हैं, सर पढ़ने के लिए तो कुछ है नहीं, मराठी में सिर्फ एप्रिसिएशन और रेपिटेटिंग की ब्रीफ है, इंग्लिश में एप्रिसिएशन है, हिंदी में कुछ है नहीं, बाकी सब ग्रामर ग्रामर है ना, तो क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे नहीं एक्चुअली बैठ के, इसमें पर सब्जेक्ट 4 पेपर्स हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि एक पेपर 80 मार्क का होगा तो 4 पेपर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 मार्क्स। यहाँ पर भी कितने मार्क्स, 320, यहाँ पर भी कितने मार्क्स, 320, ऐड कर लो 6, 9, है ना, 960 मार्क्स आपके टोटल हो रहे हैं यहाँ पर, बराबर 960 का टोटल हो रहा है, तो लैंग्वेज की 960 अप्रॉक्स कर लो, 1000 मार्क की आप प्रिपरेशन करके यहाँ से जाएंगे। क्या करेंगे समझाता हूँ, जैसे इंग्लिश के 4 सैम्पल पेपर है तो हर हफ्ते में एक एक इंग्लिश का सैम्पल पेपर देंगे, 4 हफ्ते में 7 × 4 = 28 होता है, 4 हफ्ते में 4 इंग्लिश के पेपर सॉल्व करके हो जाएंगे। कैसे सॉल्व करना है क्या है उस पर अलग वीडियो बनेगा, वैसे ही हिंदी का बनेगा, वैसे ही मराठी का बनेगा, इतना सॉर्टेड है। यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट के लिए 2 चैप्टर पर डे पढ़ने हैं, ठीक है, टाइम टेबल में लिख दिया हूँ कौन सा चैप्टर कौन से दिन पे पढ़ना है, कौन सा टेस्ट किस दिन देना है, सब कुछ लिख दिया हूँ, पर पहले ये समझ लो। इतनी बात समझ आई, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा सा, ठीक है ना, इसके 4 पेपर, इसके 4 पेपर और इसके 4 पेपर करने हैं। अब इसको चलाना कैसे, ये टाइम टेबल चलेगा कैसे वो देखते हैं, ठीक है, तो इस टाइम टेबल को चलने के लिए पहले तो इसको मिटा देते हैं, तो ये चलेगा ऐसे भाई, ठीक है, अपना ये क्या है, मिशन क्या है भाई, SSC महाराष्ट्र बोर्ड 2023 अपने को अच्छे नंबर से क्रैक करना है, ज़रूरी नहीं कि 90 ही आया तो अच्छा है, किसी का 70 आ रहा है वो 80 तक लेके जाए, जिसका 80 आ रहा है वो 90 तक लेके जाए, जिसका 90 आ रहा है वो 95 की सोचे, और जो 95 ही टच कर रहा है वो तो भाई पूरे 100 की सोचे हैं, ठीक है। चलो
तो अब इसको क्रैक कैसे करेंगे, ये पूरा दो चैप्टर पर डे पढ़ेंगे कैसे, कितने आवर्स लगेंगे और कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो पूरे दिन को अगर हम डिवाइड करें, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप कोचिंग में नहीं जा रहे या कोचिंग में जाने के अलावा स्कूल एटलीस्ट नहीं जा रहे, कोचिंग में जाके आ रहे हैं डेढ़ दो घंटे या तीन घंटे की मैक्स कोचिंग बैठ के एग्जाम दे के आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे सुनो, आपको एक वीक का बताता हूँ। एक वीक के अंदर तीन लैंग्वेज के पेपर देने, एक मराठी का देंगे आप पेपर, एक किसका देंगे हिंदी का पेपर देंगे, और एक किसका देंगे इंग्लिश का पेपर देंगे, बराबर है। हफ्ते में ये आपको पेपर देने हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको सुबह सुबह उठ के, मतलब ये खुद एग्जाम देना है। अब इसका क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा, सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर नहीं है तो हम अवेलेबल करवा देंगे, या तो व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल करवा देंगे, या तो ऐप पर अवेलेबल करवा देंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। या अगर आपके पास सैम्पल पेपर है तो उसको दे दो, मतलब देखना नहीं सैम्पल पेपर, तैयारी करके दे देना, ठीक है। तो ये जो मराठी या कोई भी लैंग्वेज का पेपर दो, मेरे हिसाब में सुबह में 7 से 10 के बीच में 3 घंटे लगाओ, एकदम सिंसियरली अपने घर पर बैठो या कोचिंग में जाओ, जहाँ भी जमता है या जहाँ भी सुकून से पेपर दे सकते हो वहाँ जाकर ये पेपर दे के आ जाओ, ठीक है ना। 7 से 10 में आपका पहला पेपर हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये एक काम हो जाएगा, हफ्ते में 3 दिन आपको ये पेपर देने। अब जैसे भी आपको लगे, जिस भी हिसाब में पेपर देना चाहते हो दे दो पेपर, इतनी बात क्लियर है। ये पहली बात हो गई। तो 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आप क्या करेंगे, आप पेपर दे देंगे, ठीक। अब जो हमने सब्जेक्ट लिखे थे, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए और एसएसटी के लिए, अब उसको कैसे करेंगे, देखो हर दिन, ये तो 3 आवर्स हो गया, हर दिन मैथ्स को 2.5 घंटे देंगे। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो फिर बात अलग है, अपना टाइम टेबल बना सकते हो। हर दिन मैथ्स को कितने देंगे, 2.5 घंटे। साइंस को कितने देंगे, 2 आवर्स देंगे। और एसएसटी को कितने देंगे, 1.5 आवर्स। ये टोटल कितने आवर्स हो गए, टोटल मिला के हो जाएंगे 6 आवर्स। यहाँ पे कितने आवर्स हो गए, 3 आवर्स। टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल सेल्फ स्टडी के आवर्स, टोटल सेल्फ स्टडी आवर्स कितने बन रहे हैं, टोटल सेल्फ स्टडी आवर्स बताओ, 6 और 3 9 आवर्स बन रहे हैं। 9 आवर्स पढ़ना है। अब कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट लगा के पढ़ते हो वो तुमको मालूम, वो तुम पढ़ो, तुमको जैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है, जब पढ़ना है पढ़ो, बट हर दिन 9 घंटे मिनिमम पढ़ाई होनी चाहिए। स्कूल जाते थे ना 6-7 घंटे तो वैसे ही बैठते थे, तो बेयर मिनिमम आज से अगले 28 दिन तक लगातार 9 घंटे पढ़ना है। 9 घंटे की सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी है। 8 घंटे की स्लीप हो गई, स्लीपिंग आपका टाइम निकल गया, 17 घंटे हो गए। 24 में से अगर 17 घंटे निकालोगे तभी भी कितना बचा आपके पास, तभी भी 7 घंटे बच गए। अब 7 घंटे में बाकी ये काम करो, फ़ोन भी थोड़ा बहुत चला लो, बाकी सारी चीज़ें भी कर लो। इतनी बात समझ में आई। तो ये ओवरऑल इस तरह से आपका टाइम टेबल बैठेगा, ठीक। तो कल से लग जाओ। अब पर डे का जो टाइम टेबल होगा वो मैं एक एक वीक करके रिलीज करूँगा। कल इंशाल्लाह मैं जो पहला वीक का टाइम टेबल रिलीज करूँगा, यानी कि 1st फेब से लेके 7th फेब तक कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सा टेस्ट देना है, डे टू डे टाइम टेबल आता जाएगा और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि मैं थोड़ा सही से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। Thank you.